लखनऊ से हैं राजकुमार जी, स्वागत है आपका। हेलो हेलो। हाँ नमस्कार जी। जी, नमस्कार सर। हाँ मैं हकीम जी से थोड़ा जानना चाह रहा हूँ क्योंकि जी हम पॉलीसाइथेमिया वेरा से पीड़ित हैं। ये बोन मैरो डिसऑर्डर है। इसमें शुरू में हम करीब 1997 से हमारा ब्लड बढ़ने लगा खूब, मतलब हीमोग्लोबिन 1.5 और 20 ग्राम। तो ये उस समय तो ये हुआ कि भाई ब्लड निकलवा दो 3-4 महीने में, 1 यूनिट 2 यूनिट, तो ऐसे चलता रहा चलता रहा, थोड़ा बहुत दवा चलती रही। फिर उसके बाद में स्प्लीन बढ़ गया काफी। स्प्लीन तो इतना, अब पेट हार्ड हो गया है कि पेट के बल लेटना भी हमको बड़ा मुश्किल हो रहा है। मतलब इतना हार्ड है और इतना पेट फूला हुआ है, गैस भी बहुत बनती है। अब क्या हुआ कि वो जो पॉलीसाइथेमिया बीमारी बताते हैं वो कहा अब चेंज हो गई है, माइलोफाइब्रोसिस हो गई है। मतलब बोन मैरो में ब्लड बनना अब कम होने लगा धीरे धीरे 4 साल पहले। अब वो जहां 19-20 रहता था वहां धीरे धीरे कम होते होते अब स्थिति आ गई कि 5-6 और 7 हो जा रहा है हीमोग्लोबिन, और प्लेटलेट्स वगैरह भी उसी अनुपात में कम हो गई, और कमजोरी बहुत, और वही पेट की गैस बनना, पेट भारी होना, ये सब। तो अब यही दिक्कत चल रही है। दवा मरीज जो है वो सर मरीज की उम्र बता दें। मरीज सर 64 साल, 64। ठीक है ठीक है। आप लिखने के लिए तैयार हैं नुस्खा? सर एक एक मिनट। हाँ सर हाँ, एक जो मिनट लोग भी सर। टेलीविज़न देख रहे हों और फ़ोन मिलाने की कोशिश कर रहे हों, या तो वो रिकॉर्डिंग कर लें या लिख लें नुस्खा, ताकि सही नुस्खा ले सकें। देखिए, एक आसान नुस्खा है और आप खुद बनाएं और रॉ मटेरियल लिख लें। देखिए, अलसी को ज़्यादा ले लें, 300-400-500 ग्राम, सस्ती आती है, उसको साफ़ कर लेना, कंकर बहुत मिले होते हैं। अलसी को लेकर हल्का सा भूने, ज़्यादा नहीं भूनना, अलसी को ज़्यादा नहीं भूनना, हल्का सा भून के पाउडर बना के रख लें। और एक आता है नमक जैतून, याद रखें, नमक जैतून या नमक कलौंजी, इन दोनों में से जो भी असली मिल जाए। देखिए, ये नकली बहुत मिलते हैं, नमक कलौंजी या नमक जैतून, ये देखने में बिल्कुल नमक जैसे होते हैं, देखने में बिल्कुल नमक जैसे होते हैं। ये एक चुटकी लें नमक कलौंजी या नमक जैतून और 2 गिलास पानी मिलाएं, और ये जो अलसी आपने हल्का सा भूनकर पाउडर बनाया है, ये 1 चम्मच भर के खाएं, छोटा चाय का चम्मच, और ये 2 गिलास पानी पी लें दिन में एक बार या 2 बार। इसको पीने के बाद आप किचन में बड़ी वाली जो इलायची होती है, दो किस्म की इलायचियाँ होती हैं, एक छोटी और एक बड़ी, तो बड़ी वाली इलायची, एक पूरी इलायची के बीज आपको खाना है, चबा के खा लें या पीस के खा लें, एक बड़ी इलायची, दोनों टाइम खाने से पहले आधा घंटा पहले ये आप अमल शुरू करें, और हर महीने 2 महीने में हमें अपनी इसी तरह या तो फ़ोन करके या हमारे हेल्पलाइन नंबर पर डॉक्टर से रुजू कर लें और उनको बताते रहे। हमें फ़ोन करना मुश्किल होता है, तो आप उन लोगों से भी अपनी बात शेयर कर सकते हैं।